अब जब तक लंबा लंबा बाल नहीं हो जाएगा पूरा बड़ा वाला बाल तब तक नहीं सैलून। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों सुबह को बज रहे 9 और आज संडे है तो मस्त इंजॉय किया, हम सोने में मजा आ गया है और अभी जगह है जस्ट, तो चलते हैं मुंह धोते हैं। सोच रहे आज नहा ले जल्दी मॉर्निंग में ही, क्योंकि अभी सुबह में नहा लेंगे तो दिन भर एकदम मस्त इंजॉय करेंगे, शाम को नहाएंगे तो शाम को ज़्यादा ठंडी लगेगी हमें पता है, तो सबसे पहले नहा धो लें। उसके बाद अभी कपड़ा भी धोना है तो अभी कपड़ा नहीं धोएंगे। सोच रहे हैं जिम भी जाने के लिए संडे के दिन। हाँ सच में विश्वास नहीं हो रहा होगा क्योंकि संडे के दिन हम जिम नहीं जाते हैं, बट इस बार सोच रहे हैं थोड़ा सा आर्म्स की प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, जैसा होगा आपको बताएंगे। इससे पहले कुछ खा लेते हैं और नहा लेते हैं, ये दोनों पहले काम कर ले और रूम सफाई कर ले। रूम अपना थोड़ा सा गंदा हो चुका है, देख रहे होंगे सारा बर्तन फैल गया है, संडे के दिन तो समय मिलता है, तो चलते हैं जल्दी से सारा काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नया वाला झाड़ू जो कि ये अभी दूसरी बार यूज कर रहे हैं अपने रूम में, जब से लाए हैं तब से 2 दिन हो गए लाए हुए। जिस दिन लाए थे उस दिन एक बार यूज किए थे, उसके बाद आज यूज किए हैं। भाई जो सब्जी वाले हैं, भाई बेचने वाले इतना तेज साउंड बजा रहे हैं, इतने तेज साउंड बजा रहे हैं, क्या बताएं, ठेले वाले बहुत ज्यादा है। ये अभी नहाने के बाद की कंडीशन, काफी दिन हो गए एक्सरसाइज किए हुए अच्छे से, बट कोई बात नहीं सारा मेकअप हो जाएगा, बॉडी तो पहले सही हो जाए। तो दोस्तों हो गए तैयार मस्त, चलते हैं बाहर जल्दी से, सचिन आ गया है बाहर वेट कर रहे हैं। वो हम जब नहाने चले गए तो एक भाई कॉल किया, उसे हम देखे ही नहीं हम, और वो पहुंच गया बेचारा बहुत पहले का ही। जिम पे बैठे होंगे? हाँ क्या करें, अब चाबी किसके पास है? हम बोले थे कॉल करेंगे तो बट पहले निकल गए थे, हम कॉल रिसीव भी नहीं कर पाए ना क्योंकि हम चाबी थे नहीं। चाबी किसके पास है? मेरे पास है। तो दोस्तों आ गए हम लोग जिम के सामने, चलते हैं ऊपर अंदर। अभी तो अंदर आएगा भाई, बंद करो उसको, बंद करो। तो दोस्तों आ चुके हैं जिम और अभी अपनी ट्रेनिंग चल रही है आर्म्स की, और अभी हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है ट्रेनिंग आर्म्स का, हम कर रहे हैं। सचिन ये अपने चेस्ट में लगा है भाई, चेस्ट में, इसकी चेस्ट के साइज छोटा हो चुका है, बढ़ाने में लगा। तो बस अभी ट्रेनिंग करके भाई नहाने के बाद सच में ठंडी नहीं लग रही है, देखो रूम पर ठंडी रहती, अभी जिम में बिना कपड़े गए हैं, जल्दी से ट्रेनिंग करते हैं हम लोग भी। तो दोस्तों बस ऐसे तो प्रैक्टिस हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं और लास्ट ही चल रहा है, बस हैवी वेट्स मार रहा हूं। तो दोस्तों ये देखो एकदम तगड़ा चढ़ा एकदम भाई। अभी हम लेफ्ट से ट्राई नहीं कर रहे हैं, राइट ही से कर रहे हैं क्योंकि अभी आराम दे दे इसको, और बहुत सही। तो हम लोग निकल गए जिम से, जा रहे हैं रूम के साइड, देखते हैं वो काफ़ी तेज लगी है जैसा होगा आपको दिखा रहे हैं, बाहर से खाने का मन तो नहीं कर रहा है। तो आ गए रूम पे, अब चलते हैं खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि वीडियो जितना भी था वहाँ पे शूट कर लिया सारा, उसके बाद अभी एक आध दो फोटो भी शूट किया मस्त मस्त, अपलोड करेंगे आप देख लेना आप लोग, और काफ़ी तेज भूख भी लग गया है। अभी खाना खा रहे हैं, जस्ट एक कॉल आया था, अभी जाना पड़ेगा बाहर तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकाले कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों खाना खाकर सो गए थे और सोने के बाद अभी जगे हैं जस्ट, काफ़ी शाम हो चुका है, हम सोचे थे कि निकलेंगे जाने वाले थे बाहर, बस जा नहीं पाए क्योंकि वो बोले मना कर दिए कि नहीं जाना है आज। ये देखो क्या है भाई, रस्सी तुरा के भागी है। संडे कोई समय मिलता है मतलब कहीं जाने का, फिर भी कहीं जा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई बड़ा लोकेशन होता तो जाने में थोड़ा सा वो लगता, सब छोटे लोकेशन से है तो फिर मज़ा नहीं आता है, और एक आध लोकेशन ऐसा भी है कि अगर आप अकेले चले जाओगे तो जो मतलब भी अगले दिन मिलेगा वो सोचेगा कि भाई सिस्टम है, बस वही बात है। नहीं तो इसीलिए हम कभी भी मतलब एक दो जगह ऐसी है गाजीपुर में जब चले जाओगे गलत से भी तो वही सोचेंगे कि भाई देखो साथ में जाके घूम रहे हैं मज़ा ले रहे हैं,
भले आप अकेले जाओ उससे मतलब नहीं है, जिम आने वाले हैं। एक और ब्लॉगर मिल गए भाई। कैसे भाई? बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हो भाई? बढ़िया है, चला तो बात। तो दोस्तों इनको साथ में चलते हैं घुमाने, इनका बैग रखवा देते हैं लॉकर में, लखवा के ताला मरवा के, और जो उसका टोकन नंबर चाबी है, टोकन है चाबी इनको दे देंगे हम। यही लाइब्रेरी है ना? हमारा लाइब्रेरी यही दिखा दो, ये पीछे जो दिख रहा है इसी लाइब्रेरी में जाते हैं। हमारा तो अभी निवासी नहीं बन पाया है। अरे अच्छा अच्छा, तेज और तेज, देखते हैं क्या होता है, अपना सबमिट होता है कि नहीं होता है। ओ, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जूस के लिए। चल भैया काफ़ी हो गया, और जूस ही पीने आए थे। नहीं ख़राब हो गई मशीन, जूस पीने का मन कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मशीन ख़राब हो गई है, तो जूस नहीं पिया जाएगा, अब कुछ और खाया जाएगा, दिखाते हैं क्या खा रहे हैं। तो आ चुका हम लोग का मंचूरियन, और ये इधर ही हम भी स्टार्ट करते हैं। संदीप चल घर है, रवि का। तो हम लोग चल रही है, काफ़ी लेट हो गया, सोचे थे कहीं जाने के लिए घूमने, बट जा नहीं पाए हम लोग। भाई थोड़ा तेज चलो यार, जल्दी चला जाए। तो बस जा रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि 3 महीने तक मतलब बाल उल्ला काटाए, सही रहेगा 90 दिन तक। नमक कटाओ यार, अच्छा रहेगा। 90 दिन तक सोच रहे हैं, सही है, सोच रहे थे 90 दिन तक कि 90 दिन तक ये सोच रहे थे ना कि सैलून का रास्ता ही भूल जाए, मतलब बाल कटाना ही नहीं है, उसके बाद देखते हैं दाल बाड़ी कितना बड़ा हो जाता है, सही रहेगा। हाँ बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्या। सत्या, और बताइए भैया कैसे हैं आप? सब बढ़िया भैया। यहाँ ब्लड टेस्ट हो जाएगा कहीं? हाँ ये यही भैया। देखो संदीप मनीष भाई है क्या? मनीष भाई है, ये अभिषेक है, सैलून के ओनर। नहीं वहीं पे हम लोग गए थे जस्ट अभी। अच्छा, उनको ब्लड चेक करा गया आप? चल रहे हैं, एक भैया मिल गए थे उन्हीं से, आप मिलने आ गए थे हम लोग। वैक्स लेना, वैक्स नया वैक्स। गए थे यहाँ भी नहीं मिला, नया भी नहीं मिला, और यूज करने वाला भी नहीं मिला। तो अब जब तक लंबा लंबा बाल नहीं हो जाएगा पूरा बड़ा वाला बाल, तब तक ना ही सैलून की दुकान पर बाल कटवाने आएंगे। और तो बस हम लोग आ गए अपने घर के सामने, ये बालक भी, ये बालक भी, अपने अपने घर चलेंगे हम लोग। ठीक है ब्रो, बाय, कल जी माना है ना? ठीक। तो बस जा रहे हैं दोनों जन अपने घर। आ जाओ गाइस। तो आ गए रूम पे, और आने के बाद जस्ट अभी खाना खाए हम लोग। बगल में थे जो साथ में गए थे, वो भी अकेले थे, उनके पार्टनर कोई नहीं थे, तो साथ ही मैंने खाना बना लिया है। तो चलते हैं, अब आराम करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करें, हम सबके कमेंट की रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।